श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों की पूरी पूरी जानकारी दी जाती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार, एक मिनट में कभी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज की तारीख 18 मई 2024, आज का वार शनिवार। आज वैशाख माह का 25वां दिवस है और शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 11:22 सुबह तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 5:29 सुबह। सूर्यास्त का समय रहेगा 7:07 शाम को। आज चंद्रोदय 2:31 दोपहर को होगा और चंद्रास्त का समय 2:51 अगले दिन सुबह पर। आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी 12:23 मध्य रात्रि तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है और आज सूर्य वृषभ राशि में विराजमान है। आज का पहला कर्ण गर 11:22 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण वणिज 12:37 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। मई माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 18 तारीख शनिवार, आज महावीर स्वामी केवल्य ज्ञान दिवस है। 19 तारीख रविवार को मोहिनी एकादशी व्रत और परशुराम द्वादशी होगी। 20 तारीख सोमवार को प्रदोष व्रत, 21 तारीख मंगलवार को नरसिंह जयंती और छिन्नमस्ता जयंती होगी। 23 तारीख गुरुवार को वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा का व्रत अन्वाधान और बुद्धि पूर्णिमा होने वाली है। आज का योग हर क्षण 10:25 सुबह तक रहेगा। इसके बाद वज्र योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशा शूल की बात करें तो आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है। आज के दिन किसी खास कार्य के लिए, किसी खास प्रयोजन के लिए पूर्व दिशा में यात्रा ना करें। यदि यात्रा करना बहुत ही आवश्यक हो तब अदरक, उड़द और तिल, इन वस्तुओं का सेवन करके अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। ऐसा करने से दिशा शूल का प्रभाव कम हो सकता है। आइए जानते हैं हर्षण योग के बारे में। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। अतः इस योग में किए गए कार्य से खुशी ही खुशी मिलती है। हालांकि इस योग में प्रेत कर्म और पितरों से संबंधित कर्म नहीं करने चाहिए। यदि आप हर्षण योग में पैदा हुए हैं तो आपकी प्रवृत्ति हावी होने वाली और अधिकारिक होने वाली है। आपके पास एक गतिशील व्यक्तित्व है। आप रचनात्मकता, साहित्य और कला से संबंधित विषयों में रुचि रखते हैं। आप उत्साह के साथ अपने सभी कार्यों को पूरा करने की संभावना रखते हैं। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 दोपहर से 12:45 दोपहर तक रहेगा। आज विजय मुहूर्त का समय 2:34 दोपहर से 3:28 तक रहने वाला है। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:06 सुबह से 4:48 तक रहेगा। आज के अन्य शुभ योगों में से अमृत काल योग 4:16 शाम से 6:04 तक होगा। आज रवि योग का समय 5:29 सुबह से 12:23 मध्य रात्रि तक रहने वाला है। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 8:53 सुबह से 10:35 सुबह तक रहेगा। आज यमगण काल का समय 2 बजे दोपहर से 3:42 तक रहेगा। आज भद्रा 12:37 मध्य रात्रि से 5:28 अगले दिन सुबह तक रहेगी। मित्रों, ये तीनों ही समय अशुभ समय है, इसलिए इन समय के दौरान
किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य और नए कार्य प्रारंभ नहीं करने चाहिए, अन्यथा कोई विघ्न बाधा आ सकती है। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। आज दिन के चौघड़िये में शुभ समय 7:11 सुबह से 8:53 तक रहेगा। चर समय 12:18 दोपहर से 2 बजे तक रहेगा। लाभ समय 2 बजे दोपहर से 3:42 तक रहने वाला है और अमृत समय 3:42 दोपहर से 5:25 शाम तक होगा। आज रात्रि के चौघड़िये में लाभ समय 7:07 शाम से 8:25 तक है। शुभ समय 9:42 रात्रि से 11 बजे तक रहेगा। अमृत समय 11 बजे रात्रि से 12:17 मध्य रात्रि तक रहने वाला है। चर समय 12:17 मध्य रात्रि से 1:35 तक होगा और लाभ समय 4:10 अगले दिन सुबह से 5:28 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम चैनल और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।